हिंदुस्तान के युवा ने सोचा मोदी जी को मैं प्रधानमंत्री बनाऊंगा और मिलकर मोदी जी के साथ हिंदुस्तान को बदलने का काम करूंगा। पता लगा, मोदी जी की गाड़ी को धकेला, गाड़ी स्टार्ट हुई, युवा देखते रह गए। एक तरफ नीरव मोदी बैठा, दूसरी तरफ ललित मोदी, और गई गाड़ी। और युवा देखता रह गया, ये हुआ क्या भैया? मैंने तो बदलाव की बात की, मैंने गाड़ी को धकेला। एक तरफ राफेल हवाई जहाज, दूसरी तरफ अमित शाह जी का पुत्र। और मोदी जी हाई स्पीड गाड़ी में फटाक से गए अमेरिका। तो वो दीवार तोड़नी है। और मैं हिंदुस्तान के युवाओं से कहना चाहता हूं, आप ये स्टेज देखो, बाकी सब राजनीतिक संगठनों की ऐसी मीटिंग आप देख लो, आपको किसी भी मीटिंग में ऐसा खाली स्टेज नहीं दिखाई देगा। हिंदुस्तान के युवाओं जो कांग्रेस पार्टी में हैं और बाहर हैं, ये स्टेज आपके लिए मैंने खाली किया है। रोजगार के अवसर दिए जाएंगे, बात समझ लो है। लेकिन आज अगर हिंदुस्तान को बदलना है तो हर जात के हर धर्म के लड़कों को लड़कियों को समझना पड़ेगा, आप ही बदल सकते हो और कोई नहीं बदल सकता है। ना नरेंद्र मोदी बदल सकता है, आपके बिना, आपकी शक्ति के बिना इस देश को बदला नहीं जा सकता है। सीधी सी बात है।